आज का जो ये टॉपिक है वो सेकंड यूनिट से मैंने ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं फिफ्टी ऑब्जेक्टिव्स है और सेकंड यूनिट में दो पार्ट्स में आपका सिलेबस एक सेमिस्टर वालों का सिलेबस डिवाइड किया गया एक में हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है मैन मेन डिजास्टर्स हाइड्रोमेट्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में आप लोगों के सिलेबस में है साइक्लोम क्लाउड बस्टर फ्लड एंड ड्राफ्ट और मैन में डिज़ास्टर्स डिवाइड मेनली किया गया है फाइव टाइप्स है मेन फाइव टाइप्स है इसके लेकिन आपके सिलेबस में टोटल न्यूक्लियर और केमिकल डिजास्टर है लेकिन मैंने हर एक टॉपिक डील किया है पांच टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स मैंने डील किए हैं उसी को मैं अलॉबरेट करूंगा और उसी के मैं हर एक ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यूज बताऊंगा पचास क्वेश्चन अब है फिफ्टी क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया मेट्रोलॉजिकल हेज़र्ट कौन सा है इन फॉलोइंग में तो ब्लेजर्ड है मेट्रोलॉजिकल हेज़र्ट उसके बाद हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर जो है मैंने पिछले टॉपिक जो पिछला मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसमें मैंने एग्जैक्टली exactly आपको कहा वो डिवाइड किया गया है दो में एबनॉर्मल एंड क्यूमलेटिव उसके बाद मैंने डिफरेंट आप लोगों को दिखा कि जो साइक्लोन्स हैं उनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है साइक्लोन उनको कहा जाता है उनको हुस कहा जाता है उनको विली विली कहा जाता है हुस उनको यूएसए में कहा जाता है विली विली उनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम आई कहते हैं और जिसमें लो प्रेशर होता है और सराउंडिंग में हाई प्रेशर होता है और उसके अलावा अगर आप सिक्स क्वेश्चन देखेंगे उसमें केमिकल कंटेमिनेशन ही नॉन नेचुरल हेज़र्ट है बाकी जितने भी है वो सब नेचुरल है ड्राफ्ट आइडेंटिफाई किससे होता है वो सनी डेज़ और हॉट वेदर से होता है उसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट कहते हैं और साइक्लून अगर हम उसको चाइना सी में क्या कहेंगे उसको टाइफून कहते हैं उसके अलावा जो 2019 में वेस्ट बंगाल में आया है उसका नाम बुलबुल बुल है साइक्लोन रिप्रेजेंट करता है सेंटर में लो प्रेशर को और बाकी साइड्स में हाई प्रेशर को अलेवेंथ क्वेश्चन क्या है फ्लड्स कैन नॉट ऑकर ड्यू टू किस से फ्लड्स नहीं होते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर से फ्लड्स नहीं होते हैं बाकी साइक्लोन से भी फ्लड्स आते हैं सोनामी से भी हैवी रेनफॉल से भी है और वेदर एसोसिएट मोस्टली एंटी साइक्लोन से होता है जब भी एंटी साइक्लोन होता है तो फाइन और ड्राई वेदर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इक्वेटर पर नहीं होता है उसकी मेन वजह है क्योंकि कोरियालिस फोरस जीरो होता है इक्वेटर पर इसलिए वहां पर साइक्लोन नहीं है फोर्टीन क्वेश्चन जो एंटी का जो टर्म uh, दी है वो गैल्टन ने दी है और क्यूमुलेटिव डिजास्टर uh, मैंने कहा था ना पहले एक तो होता है एबनॉर्मल डिज़ास्टर्स और दूसरा होता है क्यूमेटिव डिज़ास्टर्स कोल्ड एंड हॉट वेव्स हमेशा क्यूमूलेटिव होती है फ्लड्स और न, 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 ड्राफ्ट्स ये चार चीज़ें हैं जो किस में आते हैं क्यूमुलेटि डिज़ास्टर्स में जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में डायग्राम दिखाई उसके बाद फ़्लाउड क्लाउड सीडिंग से ही ड्राफ्ट को ख़त्म किया जाता है मोस्ट फ्लड प्रोन एरिया वेस्ट बंगाल है यहाँ पर उसके बाद अर्बनाइजेशन मेन काज होता है फ्लड का और टू जो डिवास्ट्रेटेड फ्लड जे के में आ गया उसमें अनंतनाग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया उसमें ज़्यादा इफेक्ट हो गया और एबनॉर्मल डिज़ास्टर बॉल्केन उसको कहते हैं दो टाइप के होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है और टेम्परेट साइक्लोन्स 45 डिग्री से लेके 45 डिग्री साउथ और 65 डिग्री साउथ तक और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 45 फाइव डिग्री नॉर्थ टू फोर्टी सिक्सटी फाइव डिग्री जो मैंने रेड से मार्क किया उसके बाद क्लाउर बस्टर किन क्लाउड से होता है वो क्यूमलोनिम्बस क्लाउड से होता है और जो भोपाल में गैस ट्रेजडी हुई वो मिथाइल आइसोसाइनइड से हुआ और भोपाल किस जगह है वो एम

उससे मतलब है कि बहुत सारा रेन पड़ना और उसके साथ थंडर होना लेकिन इन तीन तो नहीं आते हैं इसलिए इसमें नन ऑफ हैबाव आएगा एंटी साइकलून नॉर्दर्न हेमिसफियर में क्लाक वाइज होता है जबकि साउदर्न हेमिसफियर में ये एंटी क्लाक वाइज होता है लेकिन साइक्लोन रिवर्स होता है इससे रीजनस एफेक्ट बाई ड्रॉट एम पी भी है ड्राफ्ट से कर्नाटक भी और गुजरात भी उसके बाद ड्राफ्ट जो होता है उससे ड्रॉट किसको कहते हैं जब शॉर्टेज हो जाएगी ग्राउंड वाटर की सरफेस वाटर की और रेन की और मेन uh, काज क्या है ड्रॉट का ड्रॉट का मेन काज uh, कौन सा नहीं है ड्रॉट का वो हैवी प्रेसिपिटेशन है एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिकज़र्ट से मतलब होता है जो इंसान करता है मतलब एनवायरनमेंट में जो भी आता है उसमें एक केमिकल भी आता है फिज़िकल भी आता है बायोलॉजिकल भी आता है जो मैंने वो चार्ट डायग्राम दिखाई है और न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी भी आता है इसलिए इसमें आंसर आएगा केमिकल एक्सप्लोजन सिविल वार की बेस्ट एग्जाम्पल है सीरियन वार वर्ल्ड वार सिविल वार नहीं है ना कारगिल वार है ना वियतनाम वार है ना इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान का वार वो सब नहीं आते, आते हैं सिविल वार भोपाल गैस जो रिलेटेड है वो केमिकल डिजास्टर्स से इबोला एक डिजास्टर है वो बायोलॉजिकल है कोविड-19 जो है वो बायोलॉजिकल डिजास्टर है और मेन इफेक्ट क्या होता है सोइल फ्लड्स uh, से सोइल इरोजन होता है और फ्लड्स uh, का मेन कॉज क्या है जब डिपोजिशन ऑफ सिल्ट हो जाए और उसके बाद अगर डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल हो जाए नियर अबाउट 50% तो सीवियर ड्राफ्ट होता है इंडस्ट्रियल हैज़र्ट किस में आता है ह्यूमन इंडोस्यूड हैजर्ट आता है वो और मोस्ट डैमेज जो यूएसए में फ्लड्स की वजह से होता है वो फ्लड प्लेंस पे होता है वन क्वेश्चन मैन मेड डिजास्टर कौन सा है टेररिस्ट अटैक मैन मेड डिजास्टर है मैन मेड डिजास्टर जो क्लासिफाई किया गया है वो फाइव कैटेगरीज जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दी है थ्री माइल्स आइलैंड जो है वो यूएसए में है वो न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड है मायाग डिजास्टर है न्यूक्लियर डिजास्टर uh, है उसके बाद फिजन और फ्यूजन जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर डिजास्टर में होती है uh, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है वो वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है फैक्ट्री नियर क्लोज था इसमें लेकिन ये एलिमिनेट करता हूँ मैं इसलिए इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर इसको कहते हैं यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एसोसिएटेड है केमिकल डिज़ास्टर से जो भोपाल में वाक़ा है भोपाल गैस ट्रेजडी मैंने पहले ही कहा ये एमपी पी में वाक़ा है मेन काज केमिकल डिज़ास्टर क्या क्या होता है या तो ह्यूमन एरर होगा या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है कोई चीज़ या इम्प्रॉपर ट्रेनिंग हो, होगी श्रनोबल जो है वो भी न्यूक्लियर डिज़ास्टर से रिलेटेड है